आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल आमला ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों ने कार्य मुक्त न करने को लेकर कल बैतूल कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर कलेक्टर जन सुनवाई में बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस को सौंपा ज्ञापन। बैतूल सड़क के किनारे पड़ा मिला एक युवक का शव, सिर पर है गंभीर चोट के निशान, हत्या की जताई जा रही है आशंका। बैतूल में मंगलवार की सुबह शहर के हमलापुर क्षेत्र में आमला रोड के किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। सूचना मिलने के बाद डायल 100 की टीम और गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के बाद मृतक युवक की पहचान हरनिया निवासी पंकज यदुवंशी उम्र 22 वर्ष के रूप में की गई है। आपको बता दें कि मृतक के सर पर गंभीर चोटों के निशान हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। गंज थाना अंतर्गत है जो हमलापुर रोड है, वहां पर थाने में सूचना मिली कि एक बॉडी पड़ी हुई है, तो थाने का स्टाफ और TI साहब आके यहाँ पर देखे तो पता किया यहाँ आसपास, तो लड़का जो है बोरदेही के पास हरण्य गांव है, वहाँ का है पंकज यदुवंशी। बैतूल डहरगांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। भीषण टक्कर के बाद 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, बैतूल के जिला चिकित्सालय में है भर्ती। बैतूल अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर डडारी रैयत गांव के ग्रामीणों ने कल बैतूल के कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर की शिकायत। शिकायती आवेदन सौंप कर अतिक्रमण हटाने की करी मांग। बैतूल गौलालोंदी गांव के ग्रामीणों ने कल वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जमीन में गड्ढा खोदने को लेकर बैतूल कलेक्टर से की शिकायत। बड़ी संख्या में पहुंचे गांव के ग्रामीण। बैतूल मौदा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या, 3 आरोपी इस पूरे मामले को लेकर किए गए गिरफ्तार। पुलिस ने दी जानकारी, प्रेम प्रसंग का है पूरा मामला, अस्पताल में सभी का करवाया गया मेडिकल। बैतूल जिले के आठनेर में गौवंश तस्करी रोकने में लगातार प्रशासन हो रहा है नाकाम। गौवंश से भरा एक ट्रक पलटने के बाद 22 गौवंशों की हुई मौत, वहीं 10 गौवंशों को बचाया गया। घोगरा के पास हुई ये घटना। आठनेर क्षेत्र में लगातार गौवंश तस्करी के मामले आ रहे हैं सामने। मुल्ताई में अखंड दीप श्रद्धा संवर्धन यात्रा की जिला स्तरीय बैठक में शामिल हुए कल प्रभातपट्टन मुल्ताई और 10 ब्लॉक के साधक एवं साधिकाएं। मुल्ताई ग्राम देहगुड़ में एक मकान में लगी भीषण आग, पूरा सामान जलकर हुआ खाक। मुल्ताई के देहगुड़ में मंगलवार की दोपहर एक ग्रामीण के मकान में आग लग गई। आग से मकान सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। तुलसीराम मालवी के मकान से दोपहर में अचानक ही धुआं उठने लगा था, इसके बाद जैसे ही आग की लपटें तेज होने लगी, परिवार के सदस्य मकान के बाहर आ गए। आग तेजी से पूरे मकान में फैल गई। मकान में आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीण भी जमा हो गए। घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि आग तेजी से फैलते हुए अन्य मकानों की ओर भी पहुंच रही थी, जिसके बाद मुल्ताई नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मुल्ताई ग्राम जम्बाड़ी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। जनपद पंचायत अध्यक्ष, मुल्ताई तहसीलदार और जनपद CEO इस दौरान रहे उपस्थित। बड़ी संख्या में नजर आए ग्रामीण।
मुल्ताई। मुल्ताई के ग्राम रिधोरा में बीते दिनों माँ बेटे की एक पानी के टांके में मिली थी लाश। पूरे मामले को लेकर मृतिका के परिजनों ने मृतिका के पति पर लगाए गंभीर आरोप। आमला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद आमला के मटन मार्केट में पहुंचा स्थानीय प्रशासन। मांस विक्रेताओं को दुकान लगाने में हो रही है परेशानी। आमला। श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस ट्रेन में 2 वर्षीय बालक के शरीर में किसी भी तरह की हलचल नहीं होने के बाद आमला आरपीएफ के जवानों ने सीपीआर देकर नन्हे बच्चे की बचाई जान। शाहपुर। शाहपुर के पास राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने सक्रियता दिखाते हुए जंगल से तस्करी कर ले जाए जा रहे तकरीबन 16 गौवंशों को बचाया। 16 गौवंशों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। भैंसदेही। भैंसदेही नगर पहुंचे विधायक महेंद्र सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित नगर वासियों से की मुलाकात। विधायक को अपने बीच पाकर लोगों में दिखाई दिया हर्ष का माहौल। भैंसदेही। टेमुर्नी गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस दौरान सुनी गई ग्रामीणों की समस्याएं, पात्र हितग्राहियों से लिए गए आवेदन। इस दौरान जन प्रतिनिधि रहे मौजूद।